Dear students, you are most welcome in your channel CSE Master. Today we are going to discuss cascading style sheet. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है और क्यों जरूरी होता है, कुछ इंट्रोडक्टरी सेक्शन हमने लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखेंगे सीएसएस का बेसिक सिंटेक्स और सीएसएस में सेलेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और सीएसएस सिंटेक्स को देखते हैं। सबसे पहले सीएसएस सिंटेक्स की बात की जाए तो सीएसएस सिंटेक्स में एक सेलेक्टर होता है और सेलेक्टर का काम होता है कि वो HTML डॉक्यूमेंट में यूज किया गया टैग को सेलेक्ट करे और उस पर स्टाइल प्रोवाइड करे। ओके, सेलेक्टर पॉइंट टू HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। ओके, अब देखिए जो CSS सिंटेक्स होता है इसमें एक सेलेक्टर होता है, एक सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, कुछ डिक्लेरेशन होता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो डिक्लेरेशन इसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। ये क्या, एक से ज्यादा डिक्लेरेशन होता है जो कि सेमीकोलन से सेपरेटेड होता है। ठीक, एक डिक्लेरेशन हमने लिखा सेमीकोलन से, इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद दूसरा डिक्लेरेशन हम लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं और सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इज डिक्लेरेशन इंक्लूड अ सीएसएस प्रॉपर्टी। जो भी डिक्लेरेशन यूज हम लोग करते हैं वो एक सीएसएस प्रॉपर्टी होता है और उसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक, और ये दोनों कॉलन से डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कोई एक डिक्लेरेशन मैं अभी करूं, जैसे फॉन्ट साइज, ठीक, ये डिक्लेरेशन है और इसका वैल्यू मैं डालता हूँ 2 pixels। तो डिक्लेरेशन का जो प्रॉपर्टी है और वैल्यू है इसको हम लोग सेपरेट करते हैं कॉलन से। ओके, नेक्स्ट वन इज एक सीएसएस सिंटेक्स में एक से ज्यादा डिक्लेरेशन हो सकते हैं जिसमें कि सभी डिक्लेरेशन सेमीकोलन से सेपरेट किए जाएंगे एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रैकेट। और जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है वो कर्ली ब्रैकेट से सराउंडेड होगा, इनक्लोज होगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एक बेसिक सिंटेक्स और कुछ कोडिंग के हेल्प से एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए कभी भी हम सेलेक्टर को यूज करेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में हम यूज करेंगे। सबसे पहले सेलेक्टर का नाम, जिस HTML डॉक्यूमेंट के जिस एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम, और डिक्लेरेशन डालते हैं अंडर कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो ये इसमें दो डिक्लेरेशन है, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। पहले डिक्लेरेशन की बात की जाए तो ये इसमें कलर प्रॉपर्टी है और कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लू है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन में यहाँ प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज है और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का वैल्यू 12 pixels है। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें कि पैराग्राफ को जो HTML डॉक्यूमेंट में यूज किया गया है उसको हम स्टाइल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि पी टैग सेलेक्टर होगा और इसके प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे तो कलर और कॉलन रेड, दिस इज प्रॉपर्टी एंड दिस इज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय व्हाट, कॉलन। ओके, नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन इज अ प्रॉपर्टी एंड सेंटर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी एंड दिस इज ऑल्सो सेपरेटेड बाई वॉट, कॉलन एंड ऑल द डिक्लेरेशन आर इन क्लोज्ड अंदर ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट इज कलरी ब्रैकेट। ओके, कीप इन माइंड दिस ब्रैकेट इज कलरी ब्रैकेट। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम यूज करेंगे, एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उसमें एक CSS सिंटेक्स को यूज करेंगे। ओके, तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन किया है और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक सिंटेक्स हम लोग यूज करते हैं वो लिखा हुआ है।
और इसमें जो है हम एक स्टाइल को ऐड करेंगे और उसको रन करा करके देखेंगे कि क्या हमारा सीएसएस का सिंटेक्स काम कर रहा है। तो हम लोग हेड सेक्शन में एक स्टाइल एलिमेंट को ऐड करते हैं और स्टाइल एलिमेंट के अंदर अपने सीएसएस के बेसिक सिंटेक्स को लिखते हैं। उसके पहले बॉडी में हमें कुछ एलिमेंट को ऐड करना होगा, जैसे हेडिंग को मैं ऐड कर रहा हूँ। हेडिंग में मैंने डाल दिया दिस इज माय फर्स्ट सीएसएस एग्जांपल, ओके। और एक पैराग्राफ में ऐड कर दे रहा हूँ और पैराग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। पैराग्राफ में मैं डाल देता हूँ दिस इज वेरी एक्साइटिंग, ओके। तो हमने हेडिंग क्रिएट कर लिया, पैराग्राफ को भी क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम स्टाइल में सीएसएस का सिंटेक्स लिखने जा रहे हैं, जिसमें हेडिंग और पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, पैराग्राफ में लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी सेट करूँगा, कलर रेड, सेमीकोलन डिक्लेरेशन खत्म हो चुका है। उसके बाद फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ओके। पैराग्राफ में दो डिक्लेरेशन हमने किया है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद H1 को सिलेक्ट करेंगे और H1 को सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें भी प्रॉपर्टी सेट करें, ओके। तो इसमें कलर हम डाल देते हैं ब्लू और इसका फॉन्ट अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है, फॉन्ट अलाइन सेंटर, ओके। और इसमें भी हमने सेमीकोलन डाल दिया ताकि डिक्लेरेशन समाप्त हो जाए। तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो सेलेक्टर यूज किया है, एक पी और एक H1, जिसमें हमने डिक्लेरेशन को ऐड किया है, कलर रेड, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और H1 में कलर ब्लू, फॉन्ट साइज अलाइनमेंट सेंटर, ओके। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, सेव first.html नाम से है ऑलरेडी, वैसे फिर से मैं इसको सेव करता हूँ first.html से ही, ओके। अब इसको हम रन करा करके देखते हैं कि क्या सच में हमारा हेडिंग और पैराग्राफ का कुछ स्टाइल ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं आपका जो हेडिंग है, यहाँ पे फर्स्ट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, आप सही लिखोगे, हेडिंग का कलर ब्लू हो चुका है और जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो चुका है, मतलब स्टाइल अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ये था HTML बेसिक सिंटेक्स का एग्जांपल। अब हम लोग पढ़ेंगे CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर क्या होता है, CSS सेलेक्टर कितने तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले CSS सेलेक्टर की बात की जाए तो CSS सेलेक्टर CSS फाइल में किसी भी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करने के बाद उस पर स्टाइल अप्लाई करता है, ओके। सेलेक्टर का काम होता है HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना और उस पर स्टाइल को अप्लाई करना। CSS सेलेक्टर कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे CSS एलिमेंट सेलेक्टर, CSS क्लास सेलेक्टर, CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर, CSS ID सेलेक्टर और CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। बारी बारी से सभी CSS के टाइप को, सेलेक्टर के टाइप को हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं CSS एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा वो CSS एलिमेंट सेलेक्टर का एग्जाम्पल था, जिसमें कि CSS किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करता है और उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, ओके। द CSS एलिमेंट सेलेक्टर, द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन एलिमेंट नेम। एलिमेंट का जो नाम है उस बेसिस पर CSS एलिमेंट को सिलेक्ट करता है और उस पर स्टाइल अप्लाई करता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि बॉडी में जो P एलिमेंट है और जो H1 एलिमेंट है
उसको हमने सिलेक्ट किया है। ये जो सेलेक्टर है ये एलिमेंट सेलेक्टर है, क्योंकि ये एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है और एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई कर रहा है। एच वन इज एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, तो जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था वो एलिमेंट सेलेक्टर का एग्जांपल था। ठीक, तो इसमें फिर से एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वन इज सी एस एस आई डी सिलेक्टर। व्हाट इज आई डी सिलेक्टर? सबसे पहले तो आई डी होता क्या है? तो एच टी एम एल में अगर बहुत सारे कॉमन एलिमेंट हमें यूज करना है तो बाद में डिस्टिंग्विश करने में परेशानी होती है, इसीलिए हम लोग एलिमेंट में एक क्लास एट्रीब्यूट ऐड करते हैं और उसको कुछ आईडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में पी एलिमेंट 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें स्टाइलिंग करना है तो हम पांचों एलिमेंट पर एक साथ स्टाइल कर पाएंगे। अगर हमें किसी पार्टिकुलर पी एलिमेंट का स्टाइलिंग करना है तो ये हम कैसे कर पाएंगे? तो इसको करने के लिए हम लोग पी एलिमेंट में एक आईडी एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। पी आईडी इज इक्वल टू कुछ भी हम नाम दे देते हैं, जैसे पैरा वन। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ का आईडी हम दे देते हैं पैरा टू। ऐसे ही जितने ही पैराग्राफ हम क्रिएट करेंगे अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, सभी पैराग्राफ का कुछ आईडी हम प्रोवाइड कर देंगे। और अपने सीएसएस सिंटेक्स में एलिमेंट पैराग्राफ को न यूज करके, क्योंकि हम जब एलिमेंट पैराग्राफ यूज करेंगे तो सभी पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग पैराग्राफ एलिमेंट के आईडी को सिलेक्ट करते हैं, और जब आईडी को सिलेक्ट करके स्टाइल अप्लाई करते हैं तो वो किसी पार्टिकुलर पैराग्राफ के को ही स्टाइल कर पाता है। तो ये आईडी केवल पैराग्राफ के लिए वैलिड नहीं है, कोई हेडिंग टैग है, कोई क्लास, कोई डिव टैब है, किसी भी एलिमेंट में हम आईडी एट्रीब्यूट को क्रिएट कर सकते हैं और उस आईडी को कोई पार्टिकुलर नाम दे सकते हैं, और उस आईडी को अपने सीएसएस सिंटेक्स में यूज करके एज अ आईडी सिलेक्टर उस पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके भी एक एग्जाम्पल को, तो और आपको अच्छे से बेहतर तरीके समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। आईडी सिलेक्टर्स यूज द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट टू सिलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। ओके, जैसा कि हमने बताया द आईडी ऑफ एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज। आईडी जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो यूनिक होता है, मतलब आईडी दो एलिमेंट का सेम आईडी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो आईडी सिलेक्टर यूज टू सिलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। ओके, टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक आईडी राइट हैश कैरेक्टर, मतलब आईडी के नाम के पहले हम हैश कैरेक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक पी टैग क्रिएट किया था और पी में आईडी बनाया था पैरा वन। ठीक है, तो जब भी हम आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे तो पैरा वन आईडी का नाम एज अ सिलेक्टर लिखेंगे, हम हैश का यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर हम हैश लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो यहां आप देखिए एग्जांपल में हमने जो बेसिक सिंटेक्स है एचटीएमएल का वो पहले लिख दिया है, उसके बाद स्टाइल एलिमेंट में हमने आईडी सिलेक्टर यूज किया, बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ टैग को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, और पैराग्राफ टैग का आईडी क्या है? पैरा वन है। ठीक है, तो पैरा वन इस पैराग्राफ को पार्टिकुलरली इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम पैरा वन आईडी को यूज करेंगे, और पैरा वन आईडी यूज करने से पहले हैश लिखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक फॉर्मेट है डिक्लेरेशन हम लोग करते हैं, सेमी कॉलन सेपरेट करते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन लगाते हैं, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने नोट पैड में देखते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट आईडी सिलेक्टर काम करता है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज्यादा कोडिंग नहीं करना पड़े। ओके, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पर
हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, ओके। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ओके। और ये जो इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट कर लिया जाए हम लोग। बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं है। उसके बाद HTML को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है HTML। अब आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सेव कर देंगे, सेव एज आईडी सेलेक्टर डॉट HTML, ओके। इसको हमने सेव कर दिया। अब उस फाइल को रन करके हम देखते हैं। तो देखिए रन किया हमने तो हेलो वर्ल्ड जो है एक पैराग्राफ है और ये भी एक पैराग्राफ है। हेलो वर्ल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड उस पैराग्राफ में लिखा गया है जिसका आईडी पैरा वन है, ओके। और पी टैग में लिखा हुआ है दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड बाई द स्टाइल, ठीक है। एक बार आप फिर देखिए, ओके। तो इस तरह से हम लोग आईडी एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, सॉरी आईडी सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीएसएस क्लास सिलेक्टर। सबसे पहले क्लास क्या होता है? हमने एचटीएमएल में पढ़ा था कि बहुत सारे एलिमेंट को यूज किया जाता है एक बेसिक एचटीएमएल सिंटेक्स में, तब जाकर के एक वेब पेज बनता है, ओके। तो ये जो वेब पेज बनता है इसमें हम एलिमेंट के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं और क्लास का एक नाम देते हैं, ठीक है। अब आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है? आईडी का वैल्यू हमेशा यूनिक होगा, मतलब दो अलग अलग आईडी सेम वैल्यू को कंटेन नहीं करेंगे, जबकि क्लास में ऐसा नहीं होता है। क्लास एट्रीब्यूट में वैल्यू सेम हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे सपोज कीजिए हमने एक H1 टैग लिखा और H1 टैग में हमने क्लास इज इक्वल टू लेफ्ट डाल दिया, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट हेडिंग। एक और एक हमने div टैग यूज किया और div टैग में हमने क्लास डाल दिया, कुछ भी हम डाल सकते हैं, सेंटर, ओके। ऐसे ही हम एक टेबल ऐड करते हैं और टेबल में क्लास एट्रीब्यूट डालते हैं और इसका नाम हम डाल देते हैं टॉप, ठीक। मतलब आप क्लास के नेम में कुछ भी डाल सकते हो और क्लास का वैल्यू सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कौन सा क्लास है? H1 में लेफ्ट, ओके। डीयू में क्लास कौन सा है? सेंटर है। टेबल में क्लास कौन सा है? तो ये टॉप है। तो इस तरह से हम लोग क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी पार्टिकुलर HTML एलिमेंट के क्लास को डिजाइन कर सकते हैं, उसमें स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्लास को ऐड करने का क्या सिंटेक्स होगा? सबसे पहले देखिए, क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट HTML एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। टू सिलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड, मतलब डॉट हम लोग यूज करेंगे, कैरेक्टर फॉलोड बाय क्लास नेम। क्लास नेम हमें डालना है, जैसे टॉप हमने डाला एक क्लास के नाम को, तो इसके पहले डॉट लगाना जरूरी है, उसके बाद ही हम कलर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्लास सिलेक्टर को यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सबको अपने नोट पैड में ट्राई करना चाहिए, ठीक। इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको फिर से मैं एक नया HTML फाइल को बनाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ हमने पेस्ट कर लिया, ओके। सबसे पहले बेसिक HTML सिंटेक्स हम लिख देते हैं। बॉडी के अंदर में आप देखिए, यहाँ पर एक H1 हेडिंग ऐड किया गया और एक पैराग्राफ ऐड किया गया। हेडिंग में जो क्लास है इसका वैल्यू सेंटर है और पैराग्राफ में क्लास
है जिसका वैल्यू सेंटर है, ठीक है, मतलब दोनों का वैल्यू सेंटर है। अब देखिए हेडिंग और पैराग्राफ को अगर एलिमेंट सिलेक्टर से हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा कोडिंग करना पड़ता है, एक बार H1 सिलेक्टर यूज करना पड़ता है, एक बार P सिलेक्टर यूज करना पड़ता है। जबकि अगर क्लास एट्रीब्यूट को हम यूज करेंगे और क्लास एट्रीब्यूट में वैल्यू सेंटर प्रोवाइड कर देंगे दोनों टैग में, तो हम एक साथ दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं और स्पेस टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्टाइल में हमने कौन से क्लास को यूज किया है, तो सेंटर क्लास को, ठीक है, और इसके पहले एक हमने पीरियड का साइन लगाया जो भी डॉट होता है, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हमने डिक्लेरेशन को डिक्लेयर कर दिया है। इसको हम सेव कर देते हैं क्लास सेलेक्टर डॉट html नाम से, ओके, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये काम करता है, इसको हमने रन कर दिया और देखिए ये काम कर रहा है, जो हेडिंग है उस पर स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल ऐड हो चुका, पैराग्राफ में भी स्टाइल ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए हमने बस कोडिंग क्या किया, सेंटर क्लास को सिलेक्ट किया और एक साथ दोनों एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई कर दिया, तो ये खासियत है क्लास सिलेक्टर का, ओके। अब हम देखेंगे CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, ओके। यूनिवर्सल सिलेक्टर एस्ट्रिक्ट मार्क से डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और ये सभी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। HTML एलिमेंट में, HTML पेज में, हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता है, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ओके। एक एग्जांपल हम देखते हैं, द CSS रूल बिलो इफेक्ट एवरी HTML एलिमेंट ऑन द पेज, ओके। देखिए हमने एस्ट्रिक्ट मार्क को यूज किया और ये बताता है कि ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ओके। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और कुछ डिक्लेरेशन को ऐड किया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर है और कलर ब्लू है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए ये क्या करेगा, हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट हैं उसको अलाइन कर देगा सेंटर पर, ओके, और उसका कलर ब्लू कर देगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या ये काम करता है, तो ज़रूर काम करेगा। इसको हमने वहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक्ट मार्क यूज किया गया फॉर यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एस्ट्रिक्ट मार्क को यूज किया गया है एज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर, और इसमें कुछ डिक्लेरेशन को यूज किया गया है, ठीक है, जैसे टेक्स्ट अलाइन, इसका वैल्यू है सेंटर, कलर और इसका वैल्यू है ब्लू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितना भी टेक्स्ट होगा हमारे HTML डॉक्यूमेंट में वो सारे को सेंटर पर अलाइन कर देगा और उनका कलर ब्लू कर देगा, ठीक है। बॉडी सेक्शन में आप देख सकते हैं एक हेडिंग टैग को यूज किया गया है, पैराग्राफ टैग, तीन पैराग्राफ टैग को यूज किया गया, ओके। तो सभी में टेक्स्ट है, सभी के टेक्स्ट अलाइन हो जाएंगे सेंटर और सभी के टेक्स्ट का कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं इसका इफेक्ट, क्या ये सच में काम करता है। CSS यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेलेक्टर डॉट HTML, ओके, इसको हमने सेव कर दिया और हम देखते हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं, ओके। तो ये लोड हो रहा है और देखिए ये सच में काम कर रहा है, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हमारे वेब पेज के सेंटर पर अलाइन हो चुका है और ये जो है इसका कलर ब्लू हो चुका है, ओके। तो इस तरह से CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम लोग यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर,
CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ ग्रुप में किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो हम ग्रुपिंग सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। इसके लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। ग्रुपिंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल द HTML एलिमेंट विद द सेम सिंटेक्स डिफिनीशन, ओके। जैसे सपोज कीजिए हमारे HTML डॉक्यूमेंट में H1 टैग है, P टैग है, div टैग है, टेबल टैग है, ओके। इन सभी टैग को हम सेम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना करके कैलरी ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसमें कुछ डिक्लेरेशन ऐड करेंगे और कैलरी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक। इस तरह से ग्रुपिंग सेलेक्टर काम करता है। अब इस एग्जांपल को आप देखिए और इस एग्जांपल को देखिए। यहाँ पर एक H1 टैग है जिसमें कुछ स्टाइलिंग किया गया, फिर दूसरे H2 टैग पे स्टाइलिंग किया गया, उसके बाद पैराग्राफ टैग पे स्टाइलिंग किया गया। आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं पेज को डाउन कर रहा हूँ, ओके। तो पैराग्राफ टैग को यूज़ किया गया, पैराग्राफ टैग में भी कुछ डिक्लेरेशन को ऐड किया गया। तो इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय, सभी में प्रॉपर्टी तो सेम है, आप गौर कीजिए, तो इतना मेहनत करने के बजाय हम क्या करते हैं, सभी का एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद एक बार सब पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्रुपिंग सेलेक्टर एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। इसमें अलग अलग एलिमेंट को यूज़ किया गया है स्टाइल के लिए, जबकि यहाँ पर एलिमेंट के ग्रुप को यूज़ किया गया है स्टाइल के लिए। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, ओके। सपोज कीजिए हमारे HTML डॉक्यूमेंट में कुछ एलिमेंट है, ओके। जैसे H1 एलिमेंट, पहले वाले एग्जांपल को ही मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। H1 एलिमेंट है हेडिंग के लिए, पैराग्राफ एलिमेंट है पैराग्राफ के लिए, ठीक। यहाँ पर दो पैराग्राफ है, ओके। तो इसमें से एक पैराग्राफ को मैं हटा देता हूँ, ओके। इन दोनों में को स्टाइल करना है, ठीक। तो हम दो तरीका यूज कर सकते हैं, एक तो H1 सिलेक्टर को यूज करें, उसके बाद P सिलेक्टर को यूज करें, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दोनों के प्रॉपर्टी सेम ही रखना है हमें, ओके। सेव एज मैं कर देता हूँ ग्रुप सेलेक्टर डॉट HTML। तो आप देखिए ग्रुप सेलेक्टर को हमने रन किया, ये लोड हो रहा है। यहाँ पर ब्लू और सेंटर अलाइनमेंट हमने किया था विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इतना हम नहीं लिखते हैं, हम बस क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो H1 एलिमेंट और P एलिमेंट दोनों का हमने ग्रुप बनाया और उसके बाद एक कॉमन स्टाइल अप्लाई कर दिया, ओके। कलरी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इसको कंट्रोल S के हेल्प से, या फिर मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, सेव का ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। कंट्रोल S मैंने प्रेस किया और फिर से इसको हम रन करते हैं, ठीक है। फिर से हमने रन किया तो देखिए वो प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। तो हम लोग
ज़्यादा कोडिंग ना करें, इससे बचने के लिए ग्रुपिंग सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वेब डेवलपर का लॉट्स ऑफ टाइम सेव करता है। तो इतने सारे सेलेक्टर्स हमने जाना, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके पहले HTML के वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लाइक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडिंग CSS, कैसे CSS फाइल को ऐड किया जाता है एंड हाउ मेनी वे ऑफ एडिंग CSS फाइल। ओके, थैंक्स।